हेलो डीपी फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सबको नमस्ते, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ़ यू। और आज सुबह सुबह मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी टाइम है कहीं जाने का। तो मैं कल जो फर्नीचर हाउस में गई थी, जो शॉप में गई थी, तो वहाँ पे जो चीज़ें पसंद आई, तो घर में जैसे भाई और मम्मा को वो थोड़ा सा और कुछ कुछ मतलब 3-4 सामान आने वाले हैं, तो उसमें से दो सामान पसंद नहीं आए, दो चीज़, तो वही हम अलग देखने वाले हैं। तो भाई और मैं जाने वाले हैं, पापा आएंगे ऑफिस से, तो वहाँ पे हम मिलेंगे। तो अभी मैं अपना जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश कर ली हूँ और अभी मैं जाऊँगी वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं आप सबसे मिलवाती हूँ, मतलब मिलवाती नहीं, मतलब दिखाती हूँ और भी वैरायटीज क्या क्या है, मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो चलिए फिर जल्दी से हम जाते हैं। चुकी थी और मैंने थोड़ा सा स्नैक्स दिया था, तो वो खा रही थी और दया से बात भी कर रही थी। और ये देखिए बेबी सैम भी सैंटा के कैप में। तो पीछे जो नॉइज़ आ रही है वो चिमनी की आवाज़ है, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। वो देख रही है, डैडी खिला दो, नानू के हाथ से खा रही है वो आज। नानू के साथ मजे में खा रही है, टाइम स्पेंड कर रही है दोनों। सो फ्रेंड्स, अभी हम लंच करेंगे, तो आज मम्मा ने जल्दी जल्दी में ये सब बना दिया है। राइस, एक करी, और ये भाई के लिए है गोभी और मशरूम का जो चिल्ली होता है वो, और सलाद, और कुछ नहीं, सिंपल सा लंच है। और अभी थोड़ा सा मैं सानवी को खिलाऊंगी क्योंकि मम्मा ही खिलाएंगे, लेकिन वो मेरे साथ थोड़ा सा बैठी है। तो पापा के साथ भी आपने देखा, जैसे थोड़ा सा ही उसने खाया, पूरा पेट भर के नहीं खाया है, तो मैं भी थोड़ा सा खिला दूंगी उसको। तो चलिए फिर लंच करते हैं, एक करी। मम्मा आ गए सानवी का लंच लेके, तो मम्मी इसको खिलाएंगे अभी, और मैं अपना लंच जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। तो चलिए फिर खाते हैं लंच। Thank you.
अभी मैं थोड़ा सा लंच करने के बाद रेस्ट की थी, क्योंकि आज जैसे कल मैं बाहर गई थी, हेयर वॉश किया था और मैं बाहर चली गई, तो यहाँ पे तो कोल्ड पूरा कम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मैं तुरंत ही हेयर वॉश करके बाहर चली गई तो मुझे थोड़ा सा यहाँ गले में पेन जैसा हो रहा है, जो कि कल रात को मैंने जो गर्म पानी से जो गार्गलिंग होती है नमक डाल के वो मैंने किया, तो अच्छा भी लग रहा था, सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा ये टॉन्सिल पेन हो रहा है मेरा, क्योंकि आज फिर से मैं चली गई थी बाहर, तो क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब ये छोटी सी चीज़ के लिए फिर गाड़ी निकाल के जाओ अच्छा नहीं लगता है, तो भाई और मैं उसकी स्कूटी से ही चले गए थे, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है मुझे, और मामा ने यहाँ पे चाय ला के दे दिया है, और स्नैक्स भी है यहाँ पे, स्नैक्स इन द सेंस ये बिस्किट और कुछ नमकीन है, ये भी खाएंगे, तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और रेस्ट करूँ, क्योंकि गला भी बैठ रहा है मेरा, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ मैं आप सबसे एक चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं जैसे शॉपिंग के लिए गई थी, मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ पे मुझे आंसू के फ्रेंड मिला, तो उन्होंने बताया, जैसे आशु का फ्रेंड तो छोटा भाई ही है, तो वो बोल रहा था कि दीदी आपके ब्लॉग मेरी मम्मी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदी आप ब्लॉग बनाते रहो, तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि सबको बहुत सारा थैंक यू, और अच्छा लग रहा है सुन के कि मतलब मेरे ब्लॉग्स वगैरह आंटी जैसे घर में सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्पोज तो यही है कि सबको एंटरटेनमेंट करना और सबके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करना और आपके मन मतलब जो मन की बात होती है ना सबके साथ शेयर करना, और मेरे फ्रेंड भी मिले थे तो वो भी सेम थिंग बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा है कि ये सब सुन के, और बहुत खुशी महसूस होती है कि घर में सब लोग देख रहे हैं, और कभी कभी मैसेज भी आता है कि दीदी आज ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो बहुत खुशी मिलती है ये सब चीज़ों से, और एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ मतलब जो आप इतनी मेहनत करते हो तो वो सक्सेस होता है, तो ये आप सबकी वजह से ही हो रहा है, सब लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, तो और भी मतलब जैसे हमारा फैमिली और मतलब बड़ा होता जाएगा जैसे मैं कल ही ब्लॉग में आपको बोल रही थी कि हमारे 100 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं, तो टच और भी बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए सॉरी सब लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए, जो मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी ये वीडियो को शेयर कर सकेंगे और मेरा सब्सक्राइब भी बढ़ेगा, तो ये आपको करना है फ्रेंड्स, जो भी बड़े देख रहे हैं सबको थैंक यू, जो भी सपोर्ट मतलब जैसे देख रहे हैं और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर रहे हैं सबको बहुत सारा थैंक यू आज मैं बहुत मतलब जैसे मन कर रहा है कि आप सबसे बातें ही करते रहो, लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन जैसे हो रहा है, तो ज़्यादा बात करूँगी ना तो भी ये बढ़ता जाएगा, तो सोच रही हूँ कि यहाँ आज मतलब ये स्टॉप ही कर दूँ, अभी एंड कर दूँ इस वीडियो को, इस ब्लॉग को, तो नेक्स्ट मिलेंगे हम, देखते हैं कल की सुबह क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा जैसे घर के लिए काम है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बिखरा पड़ा है, कुछ भी सेट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा टाइम मतलब निकाल के सेट कर रहे हैं, क्योंकि छोटी मतलब बेबी है सानवी है वो करने नहीं देती है कुछ भी, तो हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं सब चीज़ें, तो आगे भी कुछ प्लानिंग है बहुत सारे डेकोर वगैरह करने की, लेकिन टाइम ये विंटर का टाइम है तो टाइम बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत बातें मैं कर रही हूँ आज, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, बहुत सारे खूब सारी बातें करेंगे हम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखें, और मुझे ढेर सारे प्यार ऐसे बांटते रहिए मेरे साथ,
क्योंकि आप सब जब सपोर्ट करते हैं ना, ये सपोर्ट मतलब मेरे चेहरे पे खिलता है। तो ज़रूर आप सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा मुझे। और चलिए मैं रखती हूँ आज इस वीडियो को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एडवांस में। तो चाय को एंजॉय करती हूँ मैं।